सेकंड टाइम नहीं होता या दूसरी बार नहीं होता, इसलिए बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, ऑनलाइन कॉल्स करते हैं, लोग ऑफलाइन आते हैं। स्पेशली वो लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि जो लोग बहुत दिन के बाद में अपने वाइफ को मिल रहे हैं, बहुत दिन वेकेशन पे है या दूर है, अपनी ड्यूटी है वो बहुत दूर है, फिर कभी आते 2 दिन आते हैं, 4 दिन आते हैं, हनीमून पे जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि नहीं भाई 2-3 बार करना चाहिए, 4 बार करना चाहिए, या फिर वीकेंड पे मिलते हैं, सैटरडे संडे। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि दिन रात काम करो काम करो, दौड़ो भागो सुबह से शाम तक, फिर वो ठहराते कि नहीं हमको है ना सैटरडे संडे सेक्स करना है। फिर उनको लगता है कि सैटरडे संडे सेक्स 2 दिन रखे हैं, 2 नाइट्स, तो उसमें कम से कम 4 बार तो भी होना चाहिए। तो ऐसे इसमें फिर मुश्किल जाती है कुछ लोगों को कि वो सेकंड राउंड नहीं कर पाते। पहला राउंड हो जाता है, पहला संपर्क हो जाता है, वीर्य निकलता है, और फिर उसमें उनको शायद कुछ लोगों को उसमें भी मज़ा नहीं आता है। जैसा अर्ली इजैकुलेशन हो गया, जल्दी गिर गया, अब जल्दी गिर गया उसमें मज़ा नहीं आया, वाइफ भी ना खुश, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, और फिर वो बोलती है कि अरे आप तो ठंडे हो गए, मैं तो अभी भी शुरू भी नहीं हुई, और फिर प्रॉब्लम आता है फिर सेकंड टाइम करने के लिए वो बोलती है। अब वाइफ तैयार है, वो इंतज़ार कर रही है, वो ओरल करने को तैयार है, वो आपको कोऑपरेट करने को तैयार है, वो मालिश करने को तैयार है, सब है, मगर आपकी इच्छा ही नहीं हो रही अभी। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब सेकंड टाइम करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपने भरपेट खाना खा लिया, खाना बहुत बहुत ही ज़्यादा खा लिया, मतलब अभी भरपेट हो गया, अब आपको बोला कि नहीं अभी आपके सामने बिल्कुल आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो सामने ला के रखा, आपको खाने की इच्छा होगी? बिल्कुल ही नहीं, बोले अभी बिल्कुल बताओ भी मत, बहुत खाया। हो सकता है कि वो पहला खाना जो आपने खाया वो 5-6 घंटे 7-8 घंटे के बाद में जब बहुत ज़्यादा खाया होगा तो खाली होगा, फिर सेकंड टाइम आप कर खा पाओगे। वैसे सेक्स का है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड है, किसके लिए? हो सकता है कि 15-20 मिनट के बाद में वो तैयार हो जाएगा और उसको इरेक्शन आएगा, किसको लगता है कि 24 घंटे लग जाएगी, फिर ऐसे समय क्या करना? ये आपको बहुत ही एम्बेरेसिंग हो सकता है। समझो आप होटल में गए, आपने ओयो जैसे होटल बुक किया, होटल का किराया दिया हुआ है, गर्लफ्रेंड को लेके गए या किसी को वहाँ लेके जाते हैं, और फिर वहाँ कम से कम किराया दिया हुआ है तो कम से कम 2-3 राउंड तो होना ही है ऐसा लगता है, या कोई कॉल कर ले और वहाँ आप कर रहे हैं, सब प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं अभी तो कॉल गर्ल को भी पैसे दिए है, होटल को भी पैसे दिए है, और अभी तो होना ही चाहिए 2-3 बार तभी, और वो एक बार होने के बाद में देखने की इच्छा भी नहीं होती है। फिर ऐसे समय आप टाडाला फिल, वरदाना फिल, सिल्डाना फिल जैसी दवाइयाँ खा सकते हैं, आप लुब्रिकेटिंग क्रीम्स लगा सकते हैं और मालिश कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ऑयल हमारे पास में है, कुछ ताकत देने वाली दवाइयाँ हैं जिसमें काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, और उसमें ऐसी मेडिसिन का मिक्सचर किया हुआ है कि जो आपको कहीं मिलेगी नहीं, ऐसा हमने स्पेशली मैन्युफैक्चर करके लिया हुआ है, तो ऐसी मेडिसिन हमारे पास में है, फिर हम उनको वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और वो प्रिस्क्राइब करके आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है और लूब्स है, ये सब करके फिर और कुछ समय देने के बाद में सेकंड टाइम कर सकते हैं। अभी सेकंड टाइम करने के लिए फिर आप पॉर्न वीडियोस साथ में दे सकते हैं, आप सेक्सी बातें कर सकते हैं, आप सेक्स की मूवी, सेक्स पिक्चर ऐसा देख सकते हैं, ताकि आपको सेकंड टाइम करने में एक्साइटमेंट आएगा, उत्साह आएगा। तो ये सेकंड टाइम आपको करना है तो डेफिनेटली आप दवाई का इस्तेमाल करो, और एलोपैथी प्लस आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपने लेना है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सेकंड टाइम करने के लिए प्रॉब्लम ही है, सेकंड टाइम होता ही नहीं है, फिर क्या करना है? तो फिर आपने पहले टाइम जो है वो पहला टाइम आपने इजैकुलेशन करना ही नहीं है, प्रिवेंट करना है। जैसे इजैकुलेशन का टाइम आ गया रोक दो, फिर आपका टाइम पास करो इधर उधर, बातें करो इधर उधर की, वो सेक्स बंद कर डालो, थोड़ा टाइम जाने दो, फिर इजेक्शन आएगा, फिर फोर प्ले करो, फिर थोड़ा सेक्स करो, इजैकुलेशन मत होने दो। और फिर इजैकुलेशन नहीं होने के लिए भी दवाइयाँ हैं कि आपका इजैकुलेशन मतलब पतन नहीं होगा, वीर्य पतन नहीं होगा, और वीर्य पतन रोक देने का है। और फिर आप ऐसा एक दिन एक रात आप चला सकते हो कि आप एक दिन एक रात साथ में इंटरेस्ट भी हो रहा है, इच्छा भी हो रही है, औरत जो है उसको मल्टीपल टाइम्स हो रहा है क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है, मल्टीपल टाइम्स वो तैयार है, मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा उसको राउंड्स हो गए, हो सकता है कि उसके 5-6-7-8 भी राउंड हो जाएंगे, और पुरुष का इजैकुलेशन मतलब वीर्य पतन होता ही नहीं है, तो वो दिन भर रात भर उसके साथ में खेल सकता है, क्योंकि एक बार इजैकुलेशन हो गया तो बाद में फिर सेकंड टाइम देखने की भी और करने की भी इच्छा होती नहीं है। तो इसलिए एक तो इजैकुलेशन में होने दो,
तो राउंड चलते रहेंगे बिना इजैकुलेशन के। और दूसरा जो है वो है कि आप दवाई लो, आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई लो और फिर सेकंड राउंड करो कुछ समय के बाद में। इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए मेडिसिंस है वो आप ले सकते हैं ताकि आप आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।